हाय फ्रेंड्स, मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ द स्पेक्टिसिज्म ड्रीम ऑफ मॉडर्न डे एम्पायर में। यहाँ अक्सर होता ऐसा है कि मैं आप लोगों के लिए एक स्टोरी लेके आता हूँ और उस स्टोरी का होता है एक मॉरल। तो यार आज भी बात ऐसी है कि मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक अमेजिंग सी स्टोरी और उस स्टोरी का भी है एक मॉरल। सो यार स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले, ये एक स्टोरी एक स्कूल की है। सो बेसिकली एक रेगुलर सा स्कूल होता है, वहां पर होता है ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे रहते हैं। अब बेसिकली वो स्कूल का मैनेजमेंट बहुत छोटा होता है, तो स्कूल भी काफी छोटा सा होता है जहाँ पे तकरीबन 20 से 30 बच्चे पढ़ते हैं। अब हर एक बच्चे ने वो स्कूल बेसिकली वन क्लास से 8 क्लास तक था, तो सारे बच्चे आते रहते थे। अभी प्रिंसिपल भी ट्राई करता था कि कैसे अपने तरफ ज्यादा से ज्यादा बच्चे आ सके। अभी उसी ट्राई में हुआ ऐसा कि एक दिन एक छोटे बच्चे के माँ बाप आ गए। उन्होंने कहा कि ये हमारा बच्चा है, इसको एडमिशन चाहिए। हालांकि वो बच्चा नर्सरी के एज का था और बेसिकली उसको एडमिशन दिलाने की बात चालू थी। तो प्रिंसिपल ने भी सोचा कि एक ही बच्चा है, कमाई भी उतनी कुछ खास होती नहीं है, तो अपन इसको रख लेते हैं। उसको एडमिशन दे दिया गया। फिर उसके बाद में उसका एडमिशन हो गया और उसके के पढ़ाई शुरू कर दी गई। अब उसको कहाँ पे मर्ज करेंगे, क्योंकि उनके पास क्लास, जैसा कि मैंने पहले बताया कि स्कूल छोटा था, तो उनके पास क्लासरूम्स की भी कमी थी। तो उसको फर्स्ट क्लास वालों के साथ मर्ज कर दिया गया। मैडम को कहा गया कि ये बच्चा है, आप इसको संभालो और इसको फर्स्ट क्लास के साथ इन्हें छोटा मोटा कुछ काम दे देना। अब बच्चों का नेचर तो आप जानते हो कि छोटे बच्चे कैसे होते हैं, तो बस हर थोड़ी थोड़ी देर में रोना शुरू कर देता था। मैडम एक दो दिन चला ली, फिर उसके बाद में वो मैडम को भी कुछ समय बाद नहीं सूझा, गुस्सा आने लगा। फिर एक दिन उस बच्चे को एक जमा के मार दी। अभी बच्चा भी मैंने गुस्सा हो गया, नाराज हो गया, रोने लगा। फिर उसके बाद में बच्चा उस क्लास से बैठना बंद कर दिया। तो फिर उसके बाद में बच्चे को दूसरे क्लास के टीचर के पास दिया गया कि फर्स्ट क्लास वाली बच्ची इसको नहीं संभाल पाई है, तो तुम इसको संभालो। फिर उसके बाद में दूसरे क्लास वाले ने सोचा कि इसने मारा तो अपन को थोड़ा इससे अच्छे से बात करनी होगी, मतलब अच्छे से इसका कुछ करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में उसने सोची कि क्या करना। फिर उसके बाद में उसको कोने में कुछ ऐसे बुक वगैरह दे के दे देती थी कि चल भाई तू बैठ, तेरे को पेंसिल देती हूँ, तू लिख अपना। तो कुछ ना कुछ करता रहता था। फिर उसके बाद में ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। फिर उसके बाद में मैं वो उसको बुक से भी इंटरेस्ट उड़ गया, तो वहां पे भी रोना गाना मचाना शुरू कर दिया, जिसे टीचर को भी खूब ज्यादा डिस्टर्ब होने लगा। फिर उसके बाद में उसने भी इसको खूब चिल्ला दी, तू कैसा है, डांट दिया ने इन सेंस। फिर उसके बाद में अब ये बच्चा डांट खा के बोला कि इस क्लास में भी नहीं बैठना। फिर उसको थर्ड क्लास में शिफ्ट किया गया। अब थर्ड क्लास वाली को जब ऐसा कुछ पता चला, तब उसने सोचा इसका क्या करने का, क्योंकि आ गया तो अपनी झोली में आ गया है, तो अभी इसका कुछ तो करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में उसने उसको कलर बुक दे दी। अब कलर बुक दे दी तो कलर बुक देखता था, मजे करता था। ऐसे छोटे बच्चों के क्लास में ड्राइंग्स वगैरह भी बनाए होते थे, तो ड्राइंग्स देखता था। कभी कभी उससे पोएम वगैरह भी बुलवा ली जाती थी, तो वो भी हो जाता था। फिर उसके बाद में ऐसा कुछ दिन चल गया। फिर उसके बाद में मैं जब ये सब हुआ, फिर उसके बाद में बच्चे का इंटरेस्ट ड्राइंग बुक वगैरह से भी नहीं गया, तो डिमांड करता था कि टीचर उसको ले लेके घूमे। अब टीचर के लिए इतना तो पॉसिबल नहीं रहता था, लेकिन फिर भी टीचर जितना कर सकती थी किया। लेकिन फिर टीचर फाइनली अनॉय हो गई और फिर उसने भी उसको डांट दिया। फिर उसके बाद में बच्चे ने डिसाइड किया कि अपन यहाँ पे भी नहीं बैठेंगे। फिर वो फोर्थ क्लास के टीचर को जिम्मेदारी शिफ्ट कर दी गई कि ये बच्चा है, इसको संभालो। अब जब फोर्थ क्लास वाले मैडम को ये काम दिया गया ना, तो फिर उसने भी सोचा कि अभी इसका क्या करने का, क्या नहीं करने का। तो उसने उस बच्चे की डिमांड को सारी सेटिस्फाई कर दी
इसका मतलब उसको कलर बुक भी देती थी उसको, उसको फिर उसके बाद में लिखवाने वगैरह भी थोड़ा बहुत करने लगी और ऐसा सब शुरू हो गया। फिर उसके बाद में ऑफिशियल स्टाफ उनके पास मतलब उस स्कूल के पास कुछ था ही नहीं, तो जैसे पेरेंट्स इंक्वायरी के लिए आते थे तो उनको भी टीचर्स अटेंड कर लेते थे। ऐसे ही एक बार हुआ कि फोर्थ क्लास के मैडम के हाथ में बच्चा था और फिर उसके बाद में पेरेंट्स इंक्वायरी के लिए आए हुए थे। पेरेंट्स ने देखा कि बच्चे को कितने अच्छे से संभाल रही है, तो फिर उसके बाद में पेरेंट्स ने भी एडमिशन करवा दिया अपने बच्चे का इस स्कूल में छोटे से। फिर उसके बाद में एडमिशन हो गया, बच्चे जो पेरेंट्स का बच्चा था वो तो आना शुरू था, छोटे बच्चे का भी आना शुरू था। लेकिन पेरेंट्स जो थे वो उसके परफॉर्मेंस से काफी ज्यादा इंप्रेस हो गए कि भाई ये टीचर बच्चे को अच्छे से संभाल पा रही है। सो उन पेरेंट्स ने डिमांड किया कि आप हमारे बच्चों का ट्यूशन लेना शुरू करो। अब जब ट्यूशन लेने शुरू होने की बात हुई तब मैडम ने भी सोचा कि चलो भाई सेकेंड अपन खाली रहते हैं, सेकेंडरी सोर्स ऑफ इनकम है तो शुरू कर लेते हैं। जब ट्यूशन की बात निकली तो पूरे कॉलेज में फैली, पूरे पेरेंट्स को पता चला। फिर उसके बाद में जगह जगह से बच्चों को भेजा गया और कुल मिला के उन पे वो टीचर के पास भी तकरीबन बच्चे आने लगे ट्यूशन को। सो बेसिकली ये थी मेरे तरफ से एक स्टोरी। अब गाइस स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले जरूर मॉडर्न डे एम्पायर को सब्सक्राइब कर देना। अब गाइस वैसे तो अगर आप देखोगे ना तो इस स्टोरी के बहुत सारे अजीब अजीब अलग अलग टाइप के मॉरल रहते हैं, लेकिन जो चीज मैंने पॉइंट की ना वो ये है कि कस्टमर जो होता है वो बेसिकली रिस्पॉन्सिबल आदमी को, रिस्पॉन्सिबल शॉपकीपर को चीजें देने को देखता है। इन्हें बेसिकली कस्टमर आएगा आप उसका काम कर दोगे ये तो नॉर्मल चीज है, लेकिन कस्टमर बेसिकली शॉप के एटीट्यूड को देख के काम करता है। इन्हें बेसिकली अगर कोई बहुत ही ज्यादा साफ सुथरी शॉप है या बहुत ही ज्यादा उसका एकदम ऐसा क्लीन एकदम ऐसा डिजाइनर अपियरेंस है सो बेसिकली उसको भी मजा आएगा। अब वैसे अगर आप वो सिनेरियो इमेजिन करोगे तो तकरीबन आधे से 1 घंटे का होगा जहां पे वो पे उन लोगों ने मिला, बट जिस तरह का इंप्रेशन पड़ा ना वो एकदम ढांसू इंप्रेशन पड़ा, जिसके वजह से टीचर को तो फायदा हुआ ही हुआ, साथ ही साथ पेरेंट्स को भी लगा कि हाँ भाई ये रिस्पॉन्सिबल टीचर है। यहाँ पर भी यही चीज आती है कस्टमर और शॉप के बीच में। तो ट्राई करो कि जितना भी आपका बिजनेस है उसकी एक प्रेजेंटेशन अच्छी हो, यानी इवन इफ अगर आपका बिजनेस एक खराब बिजनेस है, अगर इवन इफ अगर आप अपने बिजनेस में लॉस सफल करेगा तो एटलीस्ट वो चीज कस्टमर तक ना पहुंचे या वो चीज कस्टमर को एक अच्छे फॉर्म में प्रेजेंट हो सके, इस टाइप का ट्राई करोगे सो बेसिकली कस्टमर के इसमें रेपुटेशन बच जाएगी। अगर रेपुटेशन बच गई तो रेपुटेशन बन भी सकती है, और एक बार रेपुटेशन बन गई तो फिर फायदा ही फायदा है। सो बस यार मॉडर्न डे एम्पायर के तरफ से यही था स्टोरी, यही था उसका मॉरल, और ऐसी चीजें स्पेक्टिसिज्म ड्रीम ऑफ मॉडर्न डे एम्पायर में आती रहती है। तो जरूर वीडियो को लाइक करो, वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जरूर कर ही दो, अपना ही चैनल है। और इसी के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। सो अपना ख्याल रखो और बरसात का मौसम है, सेफ हो, बीमार मत पड़ो, और बाय बाय।